आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप एक नजर इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पर पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। कुछ भी, 3 महीने में किसके बाल आते हैं भाई? आप कोई भी पिक्चर दिखाओगे और हम मान जाएंगे, ऐसा कैसे होता है भाई? पता था मुझे, जस्ट हैव अ लुक। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल पीपल अबाउट माय हेयर रीग्रोथ एक्सपीरियंस व्हिच आई हैपेंड टू फाइंड थ्रू अ चैनल, YouTube चैनल कॉल्ड प्रीति प्रेरणा। आई स्टार्टेड फॉलोइंग 3 रेमेडीज फ्रॉम द एबो सेड YouTube चैनल, the first one being fermented rice water, second one being aloe vera infused with almond oil, and the third being flaxseed gel, which I use frequently, twice each in a week. And my suggestion is for all those people, those who wanted to use this, just trust the process and go ahead. Thank you. क्या कहे थे हम? आया समझ में? नेचुरल रेमेडीज बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ कि ध्यान से सुनिए, समझिए और एग्जीक्यूट भी कीजिए। मानते ही नहीं हो आप लोग, अब मानेंगा तो बाल आएंगा ना। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। आशा करती हूँ मेरा परिवार खुश है, स्वस्थ है, अपना ख्याल रख रहा है और बहुत पॉजिटिव है। कल के शॉट्स में आप लोगों का प्यार देखकर आई रियली कैन नॉट टेल यू, मुझे कितना प्राउड फीलिंग हो रहा था कि कितने खूबसूरत लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग प्रीति प्रेरणा सच अ वंडरफुल चैनल फॉर मी ऑल्सो। मैं खुद इतना 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 प्राउड फील कर रही हूँ ना, आई कैन नॉट टेल यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट ऑन दिस चैनल, नॉट ओनली इन मी बट इन योर सेल्फ एज वेल। थैंक यू फॉर बींग यू। दूसरा थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ मिस्टर शशांक को फॉर बीइंग सच अ स्पॉट एंड शेयरिंग हिज आइडेंटिटी एंड हिज रिजल्ट्स विद ऑल ऑफ अस ऑन दिस चैनल। ये बहुत बहुत एम्पावरिंग है प्रीति प्रेरणा के पूरे चैनल की तरफ से, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज आपका ये जेस्चर ना केवल आपके लिए बहुत ही एम्पावरिंग होगा आई एम श्योर, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस चैनल के माध्यम से आपके रिजल्ट्स को देखेंगे वो इन नेचुरल रेमेडीज की पोटेंसी को समझ पाएंगे और अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। सो एज स्टेटेड आज के वीडियो में मैं आपसे हेयर रीग्रोथ के बारे में बात करने आई हूँ। अगर आपकी डेंसिटी बहुत अच्छी थी और किसी कारण से वो बहुत कम हो गई है, इट कुड बी कोविड, इट कुड बी पोस्टमार्टम, इट कुड बी प्रेगनेंसी, इट कुड बी सम क्रॉनिक डिजीज जो आपने फेस किया है, अगर आप अपनी डेंसिटी वापस पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो कुड बी द मैजिक फॉर यू। अगर आपके बालों में बॉल्ड पैचेस आ चुके हैं एंड यू वांट टू फिल देम, व्हिच यू ऑब्वियसली वांट, तो ये वीडियो काफी कमाल की है। अगर आप प्याज, अदरक, लहसुन इन सब चीजों से काफी डरते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो आज की वीडियो कुड बी रियली मैजिकल फॉर यू, क्योंकि ये काफी माइल्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली है। टू स्टार्ट ऑफ विद द रेमेडी, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है फेथ, यानी कि विश्वास। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग रेमेडी सिर्फ टेस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए आप ट्राई करेंगे, आपको शायद रिजल्ट मिले शायद ना मिले, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट्स, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव होके पूरे विश्वास के साथ कि हाँ ये रेमेडी मुझ पर काम करेगी, उसके रिजल्ट्स आपके लिए कुछ और ही हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों की विडंबना समझती हूँ कि विश्वास तो हमें रेमेडी पर कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो हम ट्राई कर लेंगे, बट आई डोंट हैव कंप्लीट फेथ इन इट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। तो प्लीज आप क्या कीजिए, आप अभी ट्राई मत कीजिए, आप इन रेमेडी के बारे में, इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़िए और पढ़िए, समझिए कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या क्या मैजिक करते हैं, इनके अंदर क्या क्या यू नो ब्यूटिफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, कैसे काम करते हैं। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्हें जानेंगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये कितने पावरफुल हैं और आपके लिए कैसे काम करते हैं। वंस यू हैव द कंप्लीट नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस अबाउट यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स, आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। इस रीग्रोथ मास्क को प्रिपेयर करने के लिए सेकेंड इंग्रेडिएंट जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है फ्लैक्स सीड्स जेल, यानी कि अलसी के बीज। देखिए प्रीति प्रेरणा के चैनल की सबसे पहली वीडियो वॉज अबाउट फ्लैक्स सीड्स जेल, एंड मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ कि ये क्या मैजिक आपके बालों के लिए कर सकता है। इट कुड बी जस्ट द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू रिक्वायर अपने बालों को, वो शाइन, वो लस्टर, वो ग्लॉस, वो स्ट्रेंथ देने के लिए। इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर एग। अगर किसी भी रेमेडी में मैं एग का इस्तेमाल करती हूँ, तो जो लोग एग नहीं इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैक्स सीड्स जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स अगेन इज अ भंडार ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, सो मेनी विटामिंस एंड मिनरल्स, जो कि टॉपिकली अगर आपके बालों में लगते हैं, आपकी स्किन पर लगते हैं,
तो मैजिक कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लैक्सीड जेल एक्चुअली आपके बालों के पीएच को जीरो कर रहा है। आप फ्लैक्सीड जेल प्रिपेयर कीजिए और उसको एक बार सूंघिए। इट इज इक्विवेलेंट टू वाटर, बिल्कुल न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, बिल्कुल ब्लैंक होता है। अगर आपके बालों में कोई भी परेशानी चल रही है, आपके बाल ऑफ ट्रैक चले गए हैं, आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर लिया है, जस्ट गो टू फ्लैक्सीड्स फॉर रेस्क्यू और ये आपको बहुत प्यार से बाहर निकाल सकते हैं किसी भी कंफ्यूजन में आप हैं तो। अब फ्लैक्सीड्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, देखिए एक पैन में आपको 2 बड़े कप पानी लेना है, इसमें आपको 2 बड़े चम्मच फ्लैक्सीड्स लेने हैं, इसको अच्छे से बॉईल करना है, हाथों से चेक करना है, जैसे ये हल्का सा स्टिकी हो जाए इसको गरम गरम ही स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद जो आपके पास लिक्विड आया है इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जेल में तब्दील हो जाएगा एंड योर फ्लैक्सीड्स जेल इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर एप्लीकेशन। जी हाँ, इट्स दैट सिंपल। थर्ड मैजिकल इंग्रेडिएंट फॉर दिस हेयर रीग्रोथ मास्क वुड बी एलोवेरा जेल। देखिए एलोवेरा जेल इज नथिंग बट 99% वाटर एंड 1% ऑफ मिनरल्स, बट बिलीव मी ये जो 1% ऑफ मिनरल्स हैं, जब इसको आप अपने चेहरे पर, अपने बालों पर, यू यूज इट फॉर योर सेल्फ, आपको पता चल जाएगा कि नेचर ने क्या मैजिक ये बनाया हुआ है। एलोवेरा जेल मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज में आपसे कह चुकी हूँ कुड बी द हाइड्रेटर दैट यू आर लुकिंग फॉर। हाँ, प्लांट बेस्ड एलोवेरा बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, बट आई वुड सजेस्ट आप ग्रेजुअली अपनी स्किन को इसका डोज देते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी स्किन कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी एलोवेरा जेल के लिए। जी हाँ, एलोवेरा जेल बहुत आसान होता है, घर पे प्रोपोगेट कर सकते हैं। यू कट अ लीफ एंड वॉश इट ऑफ प्रॉपरली, इसका येलो कलर का टॉक्सिक सब्सटेंस आता है, आप उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। पील ऑफ द स्पाइंस, इसके चारों, इसके जो एजेस होते हैं वहाँ पर कांटे होते हैं तो आप उसको पील ऑफ कर देंगे, बीच से लीफ को स्लिट करेंगे एंड योर जेल इज रेडी। आप इसको लेके डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं, नो डैंड्रफ, नो इचिनेस, नो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, कुछ नहीं, योर स्कैल्प इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी। एंड आई कैन नॉट टेल यू, एलोवेरा जेल इज 99% वाटर, 1% मिनरल्स एंड फ्लैक्सीड्स आर नथिंग बट मिनरल्स, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग योर स्कैल्प। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर योर स्कैल्प टू फील हैप्पी। बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दी ना, अगेन, फ्लैक्सीड्स जेल एंड एलोवेरा जेल, इन दोनों ही जेल्स को जब आप अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो बिलीव मी मैजिक होता है। और ये मैजिक अगर आप विटनेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि फ्लैक्सीड्स जेल इज नथिंग बट न्यूट्रिशन फॉर योर स्कैल्प एंड एलोवेरा इज अमेजिंग अमेजिंग हाइड्रेशन। तो जब ये दोनों ही आपस में मिलते हैं तो ये आपके बालों में, आपके स्कैल्प को Completely free of any kind of tension that they are having. आपको पता भी नहीं है किसी तरह का microbial attack है, itchiness है, आपको नहीं पता क्या हो रखा है scalp में, it has the क्षमता कि ये उसको fix कर सकता है। Last but not the least, fourth magical ingredient of this hair regrowth mask would be almond oil. देखिए almond oil के ऊपर मैं एक separate video आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने विस्तार में almond oil की तारीफ की है और आप लोगों को बताया है कि आप किस किस तरीके से almond oil का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैक में आमंड ऑयल का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिलीव मी इट इज फॉर हेवी ग्रोथ। आमंड ऑयल के अंदर इतना पोटेंशियल है आपके बालों को फिर से उगा देने का दैट आई रियली कैन नॉट टेल यू। देखिए आपने फ्लैक्सीड्स एंड एलोवेरा जेल का जो पेस्ट अपने बालों में लगाया है, ये एक्चुअली किसी भी तरह की परेशानी से जो आपके फॉलिकल्स जूझ रहे हैं उसको फिक्स कर रहा है। ऊपर से आपने इसमें लगाया आमंड ऑयल, आमंड ऑयल इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रेंथ फॉर योर फॉलिकल। आपके फॉलिकल जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो कमजोर हो रखे हैं, आमंड ऑयल उनको बहुत अच्छे से नरिश करता है, उनको वो स्ट्रेंथ देता है कि वो बालों को फिर से उगने की जो एनवायरमेंट है वो प्रोवाइड कर सकें, वो आपके बालों में जो भी परेशानी चल रही है उसको फेस कर सकें। आंसरिंग फ्यू क्वेश्चन अराउंड द रेमेडी, क्या हम तीनों ही चीजों को मिक्स करके रख सकते हैं? देखिए ये सारी की सारी चीजें प्रिजर्वेटिव हैं, आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज इंसिस्ट कि आप हर बार फ्रेश बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की जो ताकत होती है वो अलग ही होती है। क्या हम इसको अल्टरनेट डेज यूज कर सकते हैं? जी आप इसको हर दिन यूज कर सकते हैं, ये इतना माइल्ड है कि आप इसको लगा के दिन भर के लिए अपने बालों में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि आपके बाल सूख जाएं, गीले बालों में जाएंगे तो ये जेल है डस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं, सो अप्लाई इट बहुत थोड़ा सा एज एन ऑयल एंड लेट इट बी इन योर स्कैल्प, नो प्रॉब्लम।
क्या अकड़न फील होगी? जी बिल्कुल होगी, इसमें एलोवेरा जेल है, आपके बाल हल्के से अकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको गीले बालों में बहुत थोड़ा सा लगाएंगे तो इसमें आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटल, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए इनिशियली एंड देन यू विल गेट टू नो कि ये आपके बालों में कैसे कैसे फिट हो रहा है। क्या इस मास्क के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है, क्योंकि आमंड इज ए नट, तो आमंड ऑयल वुड नॉट बी सजेस्टेड ओवर हियर, आप कोई और ऑयल अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर इस हेयर वी ग्रोथ मास्क का जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पर है वो आमंड ऑयल है। सो अगर आप एलर्जिक हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू बी फाइन। क्या टीनएजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही यू नो बिल्कुल न्यू बॉर्न नहीं, बट येस 4 to 5 years से ऊपर एंड यू नो किसी भी एज लिमिट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 3 महीने में पक्का बाल आ जाएंगे ना। देखिए बालों का रीग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपका खान पान कैसा है, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे पानी से बाल धोते हैं, आपके हाइजीनिक कंडीशंस कैसे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, इन सभी चीज़ों पर हेयर रीग्रोथ डिपेंड करती है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं तो आई अश्योर यू कि 1 महीने में आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा एंड 3 महीने में आप बिल्कुल शशांक की तरह खुश हो जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। एंड बहुत ही माइल्ड रेमेडी है, बहुत आसान है, कोई तामझाम आपको नहीं करना। फ्लैक्सीड जेल आप एक बार प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जब जब आपको इस्तेमाल करना है आप एक बोल में फ्लैक्सीड जेल, एलोवेरा जेल अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक, नहीं है तो आप मार्केट बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड 1 tablespoon ऑफ आमंड ऑयल, इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, एक बहुत खूबसूरत सा यू नो मिक्स बना लीजिए एंड अप्लाई इट ऑल ओवर योर हेयर एंड स्कैल्प। यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। जब भी आप इस रेमेडी को करें प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई और रेमेडी ना करें, क्योंकि फिर यू नो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वाला इफेक्ट कर रहा है या कौन सा वाला आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो यूज़ 1 remedy एट अ टाइम एंड यू विल बी हैप्पी। तो आशा करती हूँ मेरे परिवार के लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत हेल्पफुल रहा हो, आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा हो एंड आप लोग इन सभी चीज़ों को अपने लिए फॉलो कीजिए, मेक द मोस्ट आउट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग ओवर हियर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि किस तरह के मैजिक यहाँ पर होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा एंड इफ़ यू लव मी डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लेट देम नो दैट देयर इज समबडी कॉल्ड प्रीति प्रेरणा हु शेयरिंग ऑल द वंडरफुल थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन हेयर एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा से जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।